ओके तो स्टार्ट करते हैं फिर सिक्स सम से अपने। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि होमवर्क दिया था मैंने, कितने लोगों का आंसर आया क्या क्वेश्चन नंबर सिक्स का? आई गेस क्वेश्चन नंबर सिक्स भी हमने डिस्कस कर लिया था। चलो देखते हैं वैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। वैशाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर्स इन बिजनेस, द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 स्टूड एज अंडर। सभी क्रेडिटर्स दिए हैं डायरेक्टली 90,000, कैपिटल 45,30, जनरल रिजर्व दिया 18,000, कैश इन बैंक 62,000, डेटर्स 31, आरडीडी माइनस करके दिया हुआ है, बिल्डिंग दिया है 55, मशीनरी दिया है 24 एंड बिल्स रिसीवेबल दिया है 12,000 व्हिच इज वेरी नॉर्मल एंड कॉमन। द मशीनरी एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो डेप्रिशिएशन करना है बिल्डिंग का हमें 10% से। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज बाय 5,000, ऑलरेडी कितना है 3,000 है तो और 5,000 बढ़ाने बोल रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 6,000, करेक्ट। ऑलरेडी अपने पास 5,000 है और 1,000 है, हमें और बढ़ाना है 5,000 से, टोटल कितना हो जाएगा 6,000, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वैशाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वैशाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो बिल्स रिसीवेबल है कितने के देखो, बिल रिसीवेबल 12,000 के है और वैशाली जो है वो वैशाली वो डिस्काउंट पे लेके जा रही है एट अ 10%, मतलब 12,000 उसका 10% आएगा 1,200, तो 1,200 में से 1,200 कम करेंगे बचा कितना 10,800 पे वैशाली वो लेके जाएगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं हमें। अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज ए कैपिटल एंड 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, नया शेयर दिया हुआ है। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्ट। सेम क्वेश्चन है, चलो करते हैं ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है ना। चलिए इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते प्रॉफिट, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस सब हम लोग को पहले लिखना है, ये हो गया अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैशबैक बनाना बाकी है, डेबिट क्रेडिट कैश अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला ब्रॉड डाउन बैलेंस आएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना बेटा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है 62,000 करेक्ट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 45,30, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 45,000 30,000 बराबर है। फिर एडजस्टमेंट करेंगे, मशीनरी एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट करना है बेटा, मशीनरी कितने का है 24,000 का है, एसेट में आएंगे मशीनरी 24,000 लेस डेप्री, कितने का डेप्री है 10% डेप्री, सो 10% कितना आएगा 2,400, यहाँ पे कितना आ जाएगा 21,600 करेक्ट है, यस सर। उसके बाद किसका डेप्री निकालना है, डेप्री नहीं है सर आरडीडी है, चलो लगे हाथ इसका इफेक्ट दे देंगे, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन किस पे था मशीनरी कितना आएगा 2,400, दोनों इफेक्ट हमने दे दिए, ठीक है दोनों इफेक्ट हमने दे दिए। अभी रिजर्व क्रिएट करना है 5,000 से इंक्रीज करना है, ऑलरेडी आपका कितना है 1,000 है तो 31,000 अभी कितना हो जाएगा 6,000, 5,000 से हमें और बढ़ाना है। डेटर्स कितने थे 31,000 लेस आर डी डी कितना टोटल हो जाएगा 6,000,
अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता ना, बाय के जगह पे अगर टू लिखा होता, बाय के जगह पे अगर टू लिखा होता तो 5,000 तक बढ़ाना है, तो वो केस में क्या हो जाता, 4,000 का इंक्रीज आ जाता, बिकॉज ऑलरेडी 1,000 मेंटेन्ड है, तो और 4,000, तो 5,000 तक आ जाता। यहाँ पे बोला इंक्रीज बाय 5,000, तो इसलिए 5,000 से बढ़ा दिया। ठीक है, 31,000 माइनस 6,000 कितना आ जाएगा, 25,000, करेक्ट। और इसका इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे 2 RDD, कितना आएगा, जितना इंक्रीज हुआ है उतना, नॉट पूरा। ठीक है, सो RDD भी खत्म। फिर बिल रिसीवेबल टेकन ओवर बाय वृषाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो लेके जा रही है, ठीक है। 2 बिल्स रिसीवेबल, पूरा लेके जा रही है, कितना बिल रिसीवेबल है, 12,000, और 10% डिस्काउंट पे लेके जा रही है, मतलब 1200 कम। अरे यस सर, यस सर, तो वृषाली लेके जा रही है, राइट, यस, वन सेकेंड ना, यस, सो बिल रिसीवेबल टेकन ओवर बाय, ओके, 12,000 का 10% माइनस करेंगे, 1,200 आएगा, कितना आएगा, 10,800, 10,800, कितने का नुकसान हुआ है बोलो, 1,200 का नुकसान हुआ है, उसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, आंसर बोल दो, सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, बोलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एडजस्टमेंट में क्या दिया था कि बिल रिसीवेबल जो है ना वो वृषाली लेके जा रही है एट 10% डिस्काउंट, ठीक है, 10% डिस्काउंट पे लेके जा रही है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इसके इफेक्ट क्या आएंगे, एक तो हमने उसका कैपिटल कम कर दिया, उसका कैपिटल कम कर दिया कितने से, वो 10,800 से, बिकॉज वो 12,000 की जो चीज़ है वो 10% डिस्काउंट पे लेके जा रही है, मतलब 90% पे लेके जा रही है, सो 12,000 का 10% आएगा आपका 1,200, तो 12,000 में से 1,200 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,800, बरोबर। मेरा क्वेश्चन ये है कि सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा ना, बिकॉज लॉस है, तो यहाँ पे 2 बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना आ जाएगा, 1,200, बात समझा, यस सर। उसके बाद अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 से कैपिटल, तो पैसा आ रहा है, 2 अपर्णास कैपिटल 60,000 रुपीज लेके आई है वो, और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो ओके, इंस्टेड ऑफ कैश यहाँ पे हम लोग को बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा, जो ऐसा क्वेश्चन में दिया है वैसे भी यहाँ पे बैंक दिया है ना, तो यहाँ पे बैंक, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैंक, अपना के कॉलम में 60,000, इज इट क्लियर, यस सर। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पटना, अभी ये मेन वाला है एडजस्टमेंट एंट्री है जिसका वर्किंग नोट लगता है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी वर्किंग नोट करेंगे, कैसे करेंगे, कैपिटल ब्रॉट बाय
न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, याद है ना, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो उसने कितना पैसा लाया, 60,000 इनटू, उसका रेशियो कितना है, 1/4, मतलब उसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, मतलब उल्टा 4/1। अरे ये सुन लो, टोटल कितना आ जाएगा, 2,40,000। अब ये 2,40,000 हमें किसमें बांटना है, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर कैलकुलेशन आता है कि एनपीएसआर कैलकुलेट करना है, वो कैसे करते हैं। पहला, सबसे पहला स्टेप, 1 बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ फंड निकालना है, 1 - 1/4, उसका हिस्सा कितना है, 1/4, 1 - 1/4, तो कितना आएगा, 3/4। फिर सेकेंड स्टेप में 3/4 इनटू उसका ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो इक्वल दिया उन्होंने, मतलब 1/2 आएगा, बराबर है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 3/8 एंड ऑलरेडी 1/4 था उसका, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/8 बराबर है। एंड 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 2/8 यस, 2/8। तो रेशियो क्या हो गया आपका, 3:3:2। तो ये जो 2,40,000 है ना, वो 3:3:2 के रेशियो में बांट देंगे, तो कितना कितना हिस्सा आएगा सब लोगों का। सबसे पहला, ये पहला जो 3:3:2 है, ये आएगा 90,000, ये वाला भी 90,000 आ जाएगा, और बचा क्या जो ऑलरेडी था, दैट इज 60,000। ये हमेशा उसने एक्चुअल में जितना दिया है उतना ही आएगा आंसर, 90, 90, 60। तो ये जो 90, 90, 60 आए, वो दो जगह पे जाता है, एक तो यहाँ पे आएगा सबसे नीचे, 2 बैलेंस कैरिड डाउन 90, 90 and 60, एंड सेकेंड बैलेंस शीट में चला जाएगा कैपिटल, VLA 90, 90, 60, 2,40,000 डन। ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट हो गया, अभी क्या करना है, पोस्टिंग करना है, बराबर है। तो सन्डरी क्रेडिटर्स 90,000 लिख दो लाइबिलिटी में, सन्डरी क्रेडिटर्स 90,000। फिर कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व बांटना है हमें पुराने पार्टनर्स में, बाय जनरल रिजर्व 18,000 कौन से रेशियो में बटेगा, इक्वल, सो 9,000 and 9,000, ये सब, यस। उसके बाद कैश इन बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, बिल्डिंग 55,000, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जाके, बिल्डिंग का कुछ किया नहीं है ना हमने, सो बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन था क्या, इन्फॉर्मेशन दिया है इन्होंने, अच्छा बिल्डिंग को भी 10% माइनस करना था, ओके 55,000 लेस 10% डेप्री 5,500 आएगा, करेक्ट, 55,000 में से 5,500 चला गया, 49,500, तो ये डेप्री का सेकेंड इफेक्ट 5,500 रिवैल्यूएशन में जाएगा, 2 डेप्री ऑन बिल्डिंग 5,500। नेक्स्ट मशीनरी हो गया है, बिल्स रिसीवेबल खत्म हो गया, बराबर है। अभी उन्होंने बोला है कि इसको क्लोज करना है, ठीक है, चलो पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करते हैं,
क्या आ रहा है देखते हैं, पूरा डेबिट साइड ही है, कुछ क्रेडिट साइड में है ही नहीं, तो पूरा का पूरा लॉस आ जाएगा। इसका टोटल करते जरा कितना आता है देखो, 2,400, 5,000, 5,500 and 1,200, तो आएगा ये 14,100। तो लॉस भी कितना है आपका, 14,100 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बरोबर, रुशाली एंड लीना बेयर करेंगे, कितना बेयर करेंगे टोटल 14,100। रेशियो क्या आएगा, इक्वल है 7050 7050। तो यहाँ पे लॉस ले लेंगे अपन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 7050 7050। अभी हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल क्या करना है, क्लोज करना है, और जो क्लोज करने समय बैलेंसिंग फिगर जो आएगा उसको क्या नाम देंगे, यहाँ पे इन्होंने बोला है क्या नाम देंगे, ओपनिंग करंट अकाउंट, जो करंट अकाउंट से हम लोग को इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले इसका टैली निकालते हैं। सबसे पहला पार्टनर देखो 10,800, इसका डेबिट साइड ही हेवी है, कितना है इसका डेबिट साइड का टोटल, 90,000 + 7050 + 10,800, 1,07,850 1,07,850 बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, -45 + 9 54,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 53,850। चलो सेकेंड करते हैं, 7050 + 90,000 अगेन डेबिट इज हैवी, 97,050 ये इजी था, 97,050 उसमें से 39,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 58,050 58,050 राइट, एंड लास्ट वाला तो ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा, 60,000 60,000 ऑलरेडी मैच है, नॉर्मली लास्ट वाला टैली हो जाता है। अभी ये जो दो फिगर लिखा है ना हमने, 53,850 and 58,050, ये क्या अकाउंट से बंद करेंगे, वो कैश अकाउंट से बंद करते हैं, लोन अकाउंट से बंद करते हैं एंड करंट अकाउंट, जैसा क्वेश्चन में बोला रहेगा भाई साहब, क्वेश्चन में अभी कैपिटल वो करंट अकाउंट बोला है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। तो किसका किसका करंट अकाउंट आया, एक वृषाली का आया, एक लीना का आया। अभी कौन से साइड में आया है, राइट साइड में आया है, मतलब डेबिट बैलेंस है तो उसको सीधा नीचे उतार देंगे एसेट साइड पे, ये साइड में, राइट साइड में कौन सा एसेट साइड होता है ना, तो टेक्निकली याद रखने के दृष्टिकोण से, याद रखने के एंगल से मैं बता रहा हूँ, राइट साइड में है तो एसेट में ले लेंगे। दूसरा लॉजिक क्या है, ये राइट साइड में फिगर आया मतलब डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस हमेशा एसेट होता है, एसेट में ही शो होता है, बरोबर है, तो ये दोनों कहाँ पे शो हो जाएंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड में। कैसे करेंगे इसको शो, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट वृषाली एंड लीना, $53,850 and $58,050 टोटल कितना हो जाएगा, 1,11,900, ठीक है। अभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैश को क्लोज कर सकते हैं, 62 + 60 1,12,000 1,22,000 यहाँ पे भी लिखेंगे 1,22,000 इसका टोटल बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,22,000 और ये एसेट साइड पे आ जाएगा कैश एट बैंक 1,22,000। चलो इसका टोटल करते हैं, बैलेंस शीट में दोनों दो ही फिगर है, 2,40,000
एंड 90, तो इसका सिंपल आंसर है 3,30,000 आएगा। और यहाँ पे देखो जरा टोटल करो, 1,22,000 नीचे से करते हैं, चलो ठीक है ऊपर से करते हैं, 21,600, 25,000, 49,500, 111,900 प्लस 1,22,000, इसका भी सेम आंसर आएगा 3,30,000। तो इस प्रकार से ये वाला सम जो है आपका टैली हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बोलो, समझे ये, इसमें कुछ डाउट प्लीज लेट मी नो। नो डाउट, चलो ग्रेट। ओके क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या छुपा हुआ है, इसको डाल देते हैं अपने आंसर शीट में। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या क्या दिया है, अगर इजी है तो आई विल गिव यू होमवर्क फॉर दिस, ठीक है। तो क्या क्या है सब कुछ डिस्कस करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ मेधा एंड राधा हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 इज फॉलोस। तो दिया है क्रेडिटर्स 80,000, बिल्स पेबल 20,000, बैंक ओडी 20,000, सब नॉर्मल है। मेधा एंड राधा का अकाउंट दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, नॉर्मल है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बैंक ओडी लाइबिलिटी में जाएगा, बिल्स पेबल लाइबिलिटी में जाएगा, संडी क्रेडिटर्स अगेन लाइबिलिटी में जाएगा, कैश अकाउंट का अलग से लेजर बनेगा, सनी डेटर्स आपका एसेट है, स्टॉक या आपका एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, एंड लैंड एंड बिल्डिंग अगेन एसेट्स। क्या क्या दिया है एडजस्टमेंट्स, एडमिट कौन हो रहा है भाई, कृतिका एडमिट हो रही है ऑन 1st April 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर ऑन 1st April 2017, शी विल पे 40,000 as her capital for 1/5. 1/5 के लिए वो 40,000 capital दे रही है, share in profit and 2,500 as a goodwill. 2,500 goodwill मिल रहा है, मतलब भाई ये कौन सा method है, cash में मिल रहा है तो ये premium method हो जाएगा, बरोबर है, इसमें कोई doubt नहीं, हमने already किया हुआ है। Second, a 5% provision for bad and doubtful debts be created on debtors. ये भी बचपन से हमने किया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, बराबर है। नेक्स्ट, फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, अगेन सेम, फर्नीचर का भी एडजस्टमेंट हमने किया है। स्टॉक भी एप्रिशिएटेड, तो डेप्रिशिएशन के जगह पे बढ़ाना है 5% से, तो स्टॉक है कितना 40,000, तो उसका 5% कितना हो जाएगा 2,000, तो 40,000 + 2,000 42,000 आउटर कॉलम में आएगा, इंक्रीज हो जाएगा स्टॉक। प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%, ये भी 20% से बढ़ाना है, प्लांट एंड मशीनरी बाय कितने का है 60,000, तो 20% से बढ़ने वाला है, मतलब 12,000 से, तो 60 + 12 = 72 आएगा। यस सर, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग अमाउंट थ्रू लोन। तो यहाँ पे लोन से अमाउंट एडजस्ट करने बोला है, बराबर है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3/5, 1/5 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1:1, कोई दिक्कत नहीं है। ये कब होता है, जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है क्या आपको, यस 3:1 दिया है एंड न्यू रेशियो भी दे दिया है, न्यू रेशियो क्या आएगा, तो सैक्रिफाइस रेशियो हमें निकालना पड़ता है, बराबर है। क्यों, बिकॉज गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइस रेशियो लगता है। मैंने पहले बोला था, जब कोई अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हमेशा ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइस होता है,
लेकिन एक बार कैलकुलेट करके देखने का, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया है ना तीनों पार्टनर का, तो एक बार चेक करने का कि सैक्रिफाइस रेशो अलग आ रहा है या सेम आ रहा है। चलो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज द फॉर्मूला। ओल्ड रेशो क्या है बेटा, ओल्ड रेशो 3:1 है, ओल्ड रेशो है 3:1 और आपका जो न्यू रेशो है वो है 3:1:1। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो 3/4 माइनस 3/5 बरोबर, और 1/4 माइनस 1/5 न्यू माइनस ओल्ड किया हमने, तो इसको इक्वल करेंगे 15 माइनस 12 बराबर है अपॉन 20, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन 20 करेक्ट, 15 माइनस 2 15 माइनस 12 3 अपॉन 20 और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 20। मतलब अगेन आपका सैक्रिफाइस क्या आया 3:1 जो आपका ऑलरेडी ओल्ड रेशो है, तो यहाँ पे भी आपका सैक्रिफाइस रेशो क्या आ रहा है, ओल्ड रेशो ही आ रहा है, वो कोइंसिडेंटली आ गया, क्वेश्चन वैसा फ्रेम किया। लेकिन याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा जब क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो भी दिया है एंड नया पार्टनर के मतलब तीनों पार्टनर का नया और न्यू रेशो भी दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करके, तो इसका मतलब आपको सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो नॉर्मली अलग आता है, ये क्वेश्चन में वो सेम आया, समझा? क्योंकि गुडविल हम लोग को कौन से रेशो में बांटना है, सैक्रिफाइस रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो क्या आया यहाँ पे 3:1, कोइंसिडेंटली सेम आया, अगेन मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो अलग आता तो अलग रेशो में बांटना पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? तो बस हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट इज इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन में कुछ भी न्यू नहीं है, जो ऑलरेडी हमने सम किया है उस हिसाब से ही ये सम करना है। इज इट क्लियर? बोलो जमेगा ये करने के लिए, लेट मी नो, तो मैं आठवां सम सॉल्व करता हूँ बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है एवरीवन। चलो सो आई होप मैंने जो बातें अभी कही है रिकॉर्डिंग ऑफ करके आपको समझ गई होंगी। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो बैलेंस शीट ऑफ साहिल एंड निखिल हु शेयर प्रॉफिट एंड रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है ना। क्रेडिटर्स दिया, हर एक सम में क्या अलग अलग है वो आइडेंटिफाई करना, दैट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रेडिटर्स इज गिवन 60,000, कैपिटल साहिल एंड निखिल का दिया है दोनों का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर दिया है, बिल्डिंग दिया है, डेटर्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है एंड कैश इन हैंड दिया हुआ है, अगेन सेम। वरद एडमिट हो रहा है भाई, चलो ठीक है वरद वेलकम। अभी क्या क्या एडजस्टमेंट है, वरद वॉज टू पे 1 lakh फॉर हिज कैपिटल, 1 lakh रुपए कैपिटल दे रहा है भाई। He was also to pay 40,000 as a share of goodwill. Goodwill भी आ रहा है बोले तो, ये कौन सा method बन गया आपका, premium method बन गया। New profit sharing ratio was 3:2:1. देखो बंटा फिर से वही आया, old ratio दिया है आपको और new profit sharing ratio दिया है। ये केस में क्या करते हैं हम लोग, sacrifice ratio find out करते हैं। चलो करते हैं, old ratio minus new ratio, yes or no? Old ratio कितना है 3:2 एंड न्यू रेशो कितना है जरा बताओ, 3:2:3। मुझे बताओ जरा कैलकुलेट करके कितना आएगा, 3/5 माइनस 3/8 एंड सेकेंड का 2/5 माइनस 2/8 24 15 40 16 10 40, तो कितना आएगा 24 माइनस 15 9/40 6/40 कैन आई से 3:3:2 अगेन 3:2 बराबर है 3:2 आया, विच इज योर ओल्ड रेशो ओनली। तो 11 ये जो 12th स्टैंडर्ड का बुक है उसमें को इंसिडेंटली सारे सम्स ऐसे हैं जिसमें आपका सैक्रिफाइस रेशो ओल्ड रेशो ही आ रहा है। इफ आई कंपेयर द क्वेश्चन इन द प्रीवियस 12th का टेक्स्ट बुक तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आई गेस 7 and 8 या फिर 4 and 6 ऐसे दो क्वेश्चन थे जिसमें आपका सैक्रिफाइस रेशियो अलग आता था। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, आपके कमिंग एग्जाम में हो सकता है प्रीवियस टेक्स्ट बुक से भी सम आ जावे, तो आपको पहले ही प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमेशा ओल्ड रेशियो नहीं होता है, वो कोइंसिडेंटली कुछ सम्स में सेम आया है, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो
एंड उन तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ है तीनों का, तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढना पड़ता है प्रोवाइडेड क्वेश्चन में गुडविल प्रीमियम मेथड में है, बिकॉज वैल्यूएशन मेथड में सैक्रिफाइस रेशियो का कोई रोल ही नहीं है। रोल कहाँ पर है? प्रीमियम मेथड में रोल है, बिकॉज प्रीमियम मेथड में जब गुडविल आता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो में करते हैं, इसके लिए उसका गरज है, अदरवाइज वो गरज ही नहीं है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक नॉर्मल सम था। फिर ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट्स, ठीक है, वैल्यू एसेट रिवैल्यू हो रहे हैं, बिल्डिंग 100,000 पे रिवैल्यू हो रही है, फर्नीचर 48,000 पे रिवैल्यू हो रहा है, डेटर्स 38,000 पे रिवैल्यू हो रहा है। चलो अभी डेटर्स कितना था? 40, और रिवैल्यू कितने पे हुआ? 38, और इन्होंने बोला इन द व्यू ऑफ लाइकली ऑफ बैड डेट्स, मतलब ये आरडीडी है 2000 का, आरडीडी आप रिवैल्यू करोगे, मतलब जो माइनस में लिखोगे उसमें डेप्रिसिएशन, डेटर डेप्रिशिएट नहीं होते ना, उसमें आप क्या लिखोगे? आरडीडी लिखोगे, ठीक है ना, या फिर ऐसा लिख सकते बैड डेट्स ब्रैकेट में लाइकली, मतलब हो सकता है, बैड डेट्स ब्रैकेट में लाइकली, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। It was found that there was a liability of 3,000 for goods in March, but recorded on 2nd April. अभी देखो, एक liability है जो मार्च पे आई है, मार्च में, मतलब अभी जिस साल में हम लोग ये कर रहे हैं ना उसमें आई है, लेकिन हमने रिकॉर्ड कब किया? 2nd April 2017, मतलब can I say this is unrecorded liability? Unrecorded liability? अरे yes or no? ये liability हमें पता ही नहीं थी, तो हम लोग अभी इसको पता चल गया तो ये नुकसान हो गया, liability बढ़ गई, तो इसके दो इफेक्ट कहाँ कहाँ आएंगे? पहला इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में एंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, ठीक है, खत्म। अरे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, लास्ट में क्या लिखा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द एडमिशन ऑफ एट द टाइम आफ्टर एडमिशन ऑफ वरत, वरत मतलब नॉर्मल बैलेंस शीट हम जो बनाते आ रहे हैं पुराने साल से, समझा। दिस इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 7, तो मुझे ये दोनों सम आपको होमवर्क देना है, ठीक है, डू योर टास्क वाइजली। चलो ये दोनों को मैं होमवर्क मार्क कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है, कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर, कुछ डाउट है तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये दो सम्स बचे हुए हैं अपने। चलो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं, किसी को कुछ पूछना है डाउट्स? ओके। देखो अगर थोड़ा भी नहीं समझ रहा है ना, प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो सर, एक कंसेप्ट रिपीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रिपीट करेंगे, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है, इट इज नॉट लाइक रश में खत्म कर रहे हैं, वी हैव अदर सिलेबस ऑल्सो, बट मेक श्योर आपको वो समझ रहा है, बिकॉज रिकॉर्डिंग तो आपके पास रहने वाला है। और सेकेंड थिंग, माइंड में ये मत रखना कि ये सेशन रिकॉर्डेड होने वाला है तो अभी ध्यान नहीं देंगे, आराम से बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है, अभी अगर ध्यान दोगे तो रिकॉर्डिंग में वो डबल कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, वो भूलने का चांसेस बहुत कम है। सो डू अ मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन द लाइव सेशन रादर देन योर रिकॉर्डिंग सेशंस, ठीक है ना, वो आपका एक कम्फर्ट जोन बना देगा आपको कि लाइव देखो, बाकी बच्चे क्यों नहीं आए, बिकॉज दे नो ये सारे सेशन जो होने वाले वो रिकॉर्डेड उनको मिलने वाले, सो दे आर लाइक ठीक है हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बट ये आपका बहुत वैल्यू लॉस करवाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ज्यादा प्रवचन नहीं करते। मिस्टर अमित एंड बबन शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, उसका रेशियो कितना है? 3:2। चलो ठीक है, बैलेंस शीट दिया है उन्होंने, एकदम नॉर्मल सम्स है, क्रेडिटर्स दिया है 1,40,000, कैपिटल दिया है अमित एंड बबन, कैश दिया है 1,10,000, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 50,000, प्लांट दिया है 60, फर्नीचर दिया है 4,000, स्टॉक एंड डेटर्स नॉर्मल सम है। भाई कौन एडमिट हो रहा है? कमल, ऑन 1st April 2018, दैट्स ग्रेट। क्या क्या लिखा है कमल के बारे में? कमल शाल हैव 1/4 चेन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है, उसका 1/4 हिस्सा दे दिया। दे अग्री टू एडमिट कमल एज अ पार्टनर ऑन 1st April 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है, ये फालतू का लाइन है। क्या टर्म है? She shall bring 50,000 as a capital. Capital कितना ला रही है वो? 50,000 रुपया and 40,000 as a share of goodwill. भाई premium method again आ गया। Premium method है बहुत मजेदार यार। तुम लोग पहले 4-5 sum देख लोगे ना। Premium method भी सारे sums है। Premium method बहुत simple क्यों है? Because जब goodwill आता है तो इसका entry कहाँ जाता है? Cash account के debit side में to goodwill and goodwill account के credit side में by cash. इतना clear है? Cash account के debit side में to goodwill
एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश, सॉरी गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश, ठीक है। उसके बाद जो गुडविल अकाउंट का क्रेडिट साइड में बाय कैश है उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो हम लोग गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री मारते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन से वाले, ओल्ड वाले, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में, करेक्ट। और ये क्वेश्चन में नया पार्टनर का रेशो दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, न्यू पार्टनर रेशो नहीं दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशो ही आपका क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशो, कितना है, 3:2:3। तो 2:3 में गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल अमित एंड बबन 2:3 में गुडविल बांट देंगे, और इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल 2:3 के रेशियो में अमित के कॉलम में कुछ जाएगा एंड बबन के कॉलम में कुछ जाएगा, ठीक है। अगर प्रिसाइसली मैं अगर आपको बात करूँ तो 16,000 रुपया जाएगा अमित के कॉलम में, बिकॉज कितना गुडविल है, 40,000, एंड बाकी कितना बचा, 24,000 रुपया वो जाएगा आपका बबन के कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे गुडविल अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली टैली हो जाता है, बराबर। बस इतना ही है प्रीमियम मेथड है। और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं इसके अंदर, कि आपको जो गुडविल मिला है वो विड्रॉ हो गया है, पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, घर पे लेके गए, तो वो केस में आप कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री पास करोगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट, कैपिटल कम हो जाएगा टू कैश। अभी गुडविल कितना घर पे लेके जा सकते हैं, या तो 50% लेके जा सकते हैं, या तो पूरा 100% लेके जा सकते हैं। अगर कुछ बोला है तो वो लोग बोलेंगे 50% लेके जा रहे, हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन, ये सम किया है हमने, तो उसके डेबिट साइड में इफेक्ट चला जाएगा कैपिटल के डेबिट साइड में टू कैश 50-50%। जैसे यहाँ पे गुडविल में कितना डाला था हमने, 16,000 और 24,000, तो 16,000 का 8,000 लेके जाएगा, 24,000 का 12,000 लेके जाएगा। यहाँ तक तो सिंपल है कि कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हमने एंट्री डाल दी, उसका सेकंड इफेक्ट इधर आएगा, क्या लिखा आपने कैपिटल के डेबिट में, टू कैश, तो इसका सेकंड इफेक्ट इधर आ जाएगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल, समझा। बस इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है, ऐसे सम्स हमने किए हुए ऑलरेडी, ऑलराइट। देन लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग कितने पे वैल्यू हुआ है, 7,000 रिवैल्यूएशन है, एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर डेप्रिशिएट नॉर्मल है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इट टू बी मेंटेन 5% ऑन सन्डी डेटर्स, ये भी नॉर्मल है, बचपन से की है। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000, स्टॉक कितने का है, 1,00,000 का, और कितने में वैल्यू हो रहा है, 1,10,000, मतलब 10,000 बढ़ रहा है, इसका सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन क्रेडिट सब आता है आपको। लास्ट में क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट, समझा, वो बड़ा वाला एडजस्टमेंट, अरे सॉरी, और किस में ट्रांसफर करने वाला, लोन में ट्रांसफर करने वाला। तो जहां पे भी लोन आ गया, जैसे करंट अकाउंट किधर आ गया था पिछले सम में, राइट साइड पे आ गया था, मान लो लोन अकाउंट भी राइट साइड में आता है तो उसका पोस्टिंग एसेट में ही जाएगा, राइट साइड में अगर कुछ आएगा तो एसेट में जाएगा, लेफ्ट साइड में कुछ आएगा तो लाइबिलिटी में चला जाएगा। तो मान लो एक पार्टनर का लोन डेबिट में आया, एक पार्टनर का लोन क्रेडिट साइड में आ गया, पिछले क्वेश्चन में क्या था, क्रेडिट साइड में आ गया था, मतलब बैलेंस शीट का राइट हैंड साइड, तो एसेट में चला गया, अगर किसी का डेबिट साइड में आ गया तो लाइबिलिटी में आ जाएगा, बिकॉज वो क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट करता है, ये सर ना। तो ये बड़ा वाला एडजस्टमेंट है, ये मैं 2-3 सम ने किया है अच्छे से, अभी जस्ट किया था, तो ये भी सम बहुत ज्यादा ईजी है, और मैं आपको ये होमवर्क नहीं दे रहा, ये आपको अभी करना है, ठीक है। आपको 15-20 मिनट में दूंगा और इसमें आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कि ये सब में क्या, एटलीस्ट पोस्टिंग तक खत्म कर लो, मतलब एडजस्टमेंट सॉल्व करके पोस्टिंग खत्म हो, नहीं पूरा ही सम सॉल्व कर लो, चलो टाइम ले लो, पूरा सम सॉल्व कर लो और मुझे बताओ, आई एम गिविंग यू अ टाइम, कुछ भी है डाउट पूछो, अभी के अभी क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये सब अभी आपको करना है, ठीक है, दिस इज अ क्लास बुक, चलो स्टार्ट हो जाओ सर। वो एक बार फिर से रिपीट करो ना, कौन सा वाला, अगर डेबिट बैलेंस आया पार्टनर्स कैपिटल में तो कहाँ आएगा, अगर देखो ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल है, अगर डेबिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड में आएगा तो ये किधर चला जाएगा, एसेट साइड में, एंड क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड है ये, तो फिगर यहाँ पे आएगा, तो ये कहाँ पर चला जाएगा, लायबिलिटी साइड, समझे, हाँ सर, ओके चलो स्टार्ट हो जाओ, एंड कितना आंसर आता है बताओ मुझे, सब लोग का आंसर मुझे मिलना चाहिए, जो भी है जैसा भी है सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन में 10 आराम से देखते हैं, फिर एडमिशन अपना हो जाएगा। ऑलराइट, सो डन विद क्वेश्चन नंबर 9, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, वेरी 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 सिंपल टिंपल,
क्वेश्चन लास्ट सम ऑफ योर पार्टनरशिप एडमिशन. चलो द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट, इनका रेशियो दिया है 3:2. क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट दिया है. अभी यहाँ पे दो अकाउंट दिया है, कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो देयर एंड करंट अकाउंट इज ऑल्सो देयर. तो आपको क्या करना है, आपको कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा करंट अकाउंट बनाओगे, सीधा करंट अकाउंट बनाओगे. बिकॉज ये जो है कैपिटल अकाउंट, ये एज इट इज आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा. एज इट इज कहाँ पे चला जाएगा, बैलेंस शीट में. कैपिटल 21,000 एंड जो नया पार्टनर लाएगा 3,000. किधर गया, 3,000 नहीं, 50. जगदीश शुड पे 3,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर. ठीक है जाए तो हाँ, 9,000 लाया है ना उसने, ये 9,000 क्या हो जाएगा, 9,000 कैपिटल बन जाएगा. तो बैलेंस शीट में डायरेक्टली आप कैपिटल लिख सकते हो लाइबिलिटी साइड पे, इनका 21,000 एंड 9,000 सीधा लिख सकते हैं. तो आपको बनाना क्या पड़ेगा, करंट अकाउंट. तो अभी तक सम में हम लोग क्या कर रहे थे, सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से कर रहे थे. ये सम में सारे एडजस्टमेंट हम लोग कहाँ से करेंगे, करंट अकाउंट से. ये सब में क्या करेंगे, करंट अकाउंट से सारे एडजस्टमेंट करेंगे. ठीक है, कैपिटल अकाउंट को बिल्कुल भी नहीं छुएंगे. कैपिटल अकाउंट सीधा बैलेंस शीट में चला गया तो उसको कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं है. लेजर बनेगा तो उसका नाम क्या होगा, करंट अकाउंट. सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से जाएंगे. ठीक है, तो हमने क्या क्या बनाना है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक करंट अकाउंट, एक कैश बुक मतलब कैश अकाउंट एंड सेकंड बैलेंस शीट. ऑलराइट, चलो तो पहला स्टेप क्या, आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखते लाइबिलिटी में चला गया. करंट अकाउंट का बैलेंस कहां पे जाएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बिकॉज दोनों लाइबिलिटी में दिया हुआ है. देखो ओम का भी लाइबिलिटी बैलेंस है करंट अकाउंट का, एंड जय का भी है. मैंने ऐसा क्यों कहा, लाइबिलिटी में लिखा है बिकॉज करंट अकाउंट कभी कभी एसेट में भी दे हुए सकते हैं. जैसे हमने देखो ना, देखा था रिटायरमेंट एंड डेथ में, बोले हालांकि कुछ लोगों का रिटायरमेंट डेथ हुआ नहीं है. तो ये करंट अकाउंट है ना, लाइबिलिटी या एसेट दोनों में से किसी एक में होता है, या ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर का यहाँ पर है, एक पार्टनर का यहाँ पर है. तो सिंपल है, अगर लाइबिलिटी में है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा करंट अकाउंट के, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अगर एसेट में करंट अकाउंट है तो उसको डेबिट में जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो ये दोनों लाइबिलिटी में है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3750 3450. ठीक है, फिर यहाँ पे कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है. एडजस्टमेंट देखते हैं. जगदीश एडमिट हो रहा है भाई 1 अप्रैल को. ठीक है सर, जगदीश शुड पे 3,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल. तो शेयर ऑफ गुडविल कितना आया, 3,000 का. ठीक है, हम लोग ले लेंगे, वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है. और उसके बाद क्या बोला है, जितना शेयर आएगा उसका 50% ऑफ गुडविल विड्रॉ हो जाएगा बाय ओल्ड पार्टनर्स. तो 3,000 गुडविल आएगा. तो पहले तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, कितना रेशियो है इनका, 3:2 का रेशियो है ना, 3:2 का रेशियो है. तो मान लो मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा, कैश में गुडविल आ रहा है ना. सो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश के डेबिट में, गुडविल के क्रेडिट में. फिर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल, क्या नाम आएगा, ओम एंड जय, कौन से रेशियो में, 3:2. तो यहाँ का इसका सेकेंड इफेक्ट कितना जाएगा, यहाँ पे बाय गुडविल 3:2 में हम लोग को डिवाइड करना है. कितना आएगा, 3,000 को 1,800 एंड 1,200. ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ठीक है, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, समझा. तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल, गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश, ये एक एंट्री का पोस्टिंग हो गया. फिर गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओम एंड जय 1,800 1,200, एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल 1,800 1,200. और फिर इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, 50% गुडविल विड्रॉ हो रहा है. तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश 50% ना. तो 1,800 को 50% कितना, 900. 1,200 का 50% कितना, 600. समझ में आया. तो यहाँ पे टू कैश आ गया और इसका सेकेंड इफेक्ट किधर चला जाएगा, कैश के क्रेडिट में चला जाएगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट. फिर नाम आएगा इसका ओम का एंड जय का. ओम ने कितना पैसा लेके गया, 900, और जय कितना ले गया, 600. समझा, ये आएगा पहले वाले एडजस्टमेंट का इफेक्ट. सेकंड क्या है, ही शुड ब्रिंग 9,000 एज अ कैपिटल. सिंपल है, कैश अकाउंट के डेबिट में एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में. लेकिन पार्टनर्स कैपिटल बनाया नहीं है हमने, तो डायरेक्टली उसको कहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो, बैलेंस शीट में. वहाँ पे ऑलरेडी हमने देखो ऊपर वाला रेड में लिख ही दिया है 9,000, तो यहाँ पे उसकी पोस्टिंग आ जाएगी. ठीक है ना. नेक्स्ट, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड 18,000, मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%. ये ईजी है, 18,000 वैल्यू करना है. बिल्डिंग कितने का है, बिल्डिंग भाई 15,000 का, 18,000 हो रहा है, मतलब 3,000 बढ़ गया. एंड मशीनरी एंड फर्नीचर 10% से कम हो रहा है.
ठीक है सर, 10% हम लोग कम कर देंगे, डेप्रिसिएशन का सीन है, बाकी कुछ नहीं. ऑल राइट. प्रोविजन ऑफ 5% डेटर्स टू बी मेड, मतलब ये आरडीडी है, न्यू आरडीडी है, बराबर ना. आरडीडी बेसिकली कुछ आरडीडी मेंटेन्ड है क्या ऑलरेडी, कुछ भी आरडीडी मेंटेन्ड नहीं है, तो 27,000 में 5% निकालेंगे और उसका आंसर आ जाएगा, माइनस करके रिवैल्यूएशन में डाल देंगे. स्टॉक टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 15,000, कितने का स्टॉक था वैसे, स्टॉक था 12,300 का, अभी कितना हो गया 15,000, तो कुछ बढ़ गया है, वो सिंपल इफेक्ट आ जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में एंड अब बैलेंस शीट में बढ़ा दोगे स्टॉक, बराबर है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो ये सब में नया क्या था, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट. अच्छा, ये सारा करके फिर आपको पोस्टिंग करनी है, पोस्टिंग भी इजी है. पोस्टिंग करने के बाद क्लोज कैसे करना है, ध्यान से सुन लेना. सबसे पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करोगे, रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा. मैंने पहले ही कहा है पार्टनर्स कैपिटल हमने नहीं बनाया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा. पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाने के बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा. पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज होने के बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आएगा एंड वो बैलेंसिंग फिगर हम लोग फिर से बैलेंस शीट में, ये जहां पे कैपिटल लिखा है ना उसके नीचे लिख देंगे कैपिटल, सॉरी उसके नीचे लिख देंगे करंट ओम एन जय का, उसका जितना भी बैलेंस आएगा करंट अकाउंट का वो कैपिटल के नीचे, जैसे यहाँ पे कैपिटल लिखा है ना वहां पे क्या लिखेंगे, करंट अंडरलाइन ओम एन जय, उसका बैलेंस हम लोग लिख देंगे. बात समझ में आ रही है, करंट अकाउंट की. फिर कैश बैंक को क्लोज करो, कैश बैंक में बैलेंस शीट में डाल दो एंड आपका जो बैलेंस शीट है वो टैली हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज थोड़ा सा अलग करंट अकाउंट बनाना था, बाकी कुछ भी नहीं है. यू हैव टू ट्रीट करंट अकाउंट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, मतलब नॉर्मल मतलब प्रैक्टिस के सेंस में. लेकिन हमने अलग अलग क्यों किया है, बिकॉज ये कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है, जहाँ पे दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट सीधा बैलेंस शीट में चला गया एंड करंट अकाउंट का हमने अलग से अकाउंटिंग किया है. डन, और कुछ है नहीं ये सब. मैंने जो डिस्कस किया वो समझा है तुम लोग को, प्लीज लेट मी नो. ठीक है, यस, जाने दो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर.